Hello everyone, in this video lecture of Information Theory Coding or Digital Communication, I am going to discuss one example of convolution code. I have taken this question from the AKTU paper of last year, means ki 2020-21, paper code was REC071. Start karte hain with this question. So first of all, what is the question? Consider a 3,1,2 convolution code with G1, G2, G3 given hai. First है draw the encoder block diagram, then find the generator matrix, then find the code word corresponding to the information sequence this using time domain and transfer domain approach. Means के हमें दोनों में find out करना है using time domain and transfer domain. तो before starting in time domain or transfer domain, हम सबसे पहले कुछ basic चीज़ें देखते हैं. For example, जो यहाँ पर mention है 3, 1 and 2, what is this? Basically this is n, k and m. N is the number of outputs, ठीक, number of outputs, ठीक है. तो number of outputs क्या है? 3. अब k is the number of inputs, that is 1. means कि अगर हमने 1 bit को input किया तो उसके corresponding हमें output पे कितने bits मिलेंगी? 3. and m is the number of previous inputs, or we can say number of flip-flop, ठीक है, that is 2, ठीक. Now अगर इस question में code rate भी पूछा होता तो code rate, it's given by small k by n, means 1/3. अगर हमने 1 bit input की तो हमें output पे कितने bits मिलेंगी? 3, ठीक. Now first part करते हैं, that is draw the encoder block diagram, ठीक. Now in this case number of flip-flops 2 हमने लिखे, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड सेकेंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक. ये जो नंबर ऑफ आउटपुट्स होते हैं, ये नंबर ऑफ एडर्स भी होते हैं. एडर्स बेसिकली यहाँ पर जो एडर्स होंगे वो मॉडुलो 2 सम होंगे, ठीक है. नाउ अब ये हमारा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड सेकेंड फ्लिप फ्लॉप कनेक्शन हम शो करेंगे. 1 इनपुट, ये हमारी इनपुट बिट, ठीक ठीक. नाउ फर्स्ट देखते हैं जीवन, हमारे पास 3 G1 है, मींस 3 आउटपुट्स हैं. 1 हमने लगाया यहाँ पर फर्स्ट एडर, ठीक. इसके लिए कनेक्शन क्या है? 1 1 0, 1 मींस कनेक्टेड, 0 मींस नॉट कनेक्टेड, ठीक है. तो 1 फर्स्ट इज 1 मींस की कनेक्टेड, सेकंड इज 1 means connected, third is not 1 means not connected, ठीक. now G2 के केस में let this is our G2, 1 means की first point is connected, ठीक है. second is 0 means no connection, third is 1 means की third shift is connected, ठीक. now third देखते हैं हमारा क्या है, G3 let हम यहाँ पे ले लेते हैं third adder, 1 1 1 means की connected, अगेन 1 मीन्स कनेक्टेड, अगेन 1 मीन्स कनेक्टेड, ठीक है. ये हो गया. अब आउटपुट्स पे कैसे शो करेंगे? V1, G1 से जो बिट आई, V2 जो हमारी G2 एड्रेस से जनरेट हुई, एंड दिस इज V3, ठीक है, जो हमारे थर्ड जनरेटर से आई. नाउ 1 स्विच, ये रोटेट होगा एंड यहां पर हमारा आउटपुट होगा, ठीक है. तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम और इनकोडर. नाउ अवर फर्स्ट पार्ट इज डन. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? जनरेटर मैट्रिक्स. नाउ अब हम देखते हैं जनरेटर मैट्रिक्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटर मैट्रिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें चाहिए होगा व्हाट इज द साइज ऑफ जनरेटर मैट्रिक्स. हम सेकेंड पार्ट करें दिस वन, ठीक है. जनरेटर मैट्रिक्स साइज इज इक्वल टू ए क्रॉस एन मल्टीप्लाइड विथ एल प्लस एम, ठीक है. एम ऑलरेडी पता है, एन पता है. व्हाट इज एल? एल इज द लेंथ ऑफ मैसेज सीक्वेंस, ठीक है. तो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन मैसेज सीक्वेंस इज दिस, तो 1 2 3 4 5. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? L इज इक्वल टू 5, ठीक. तो इससे मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी? यहाँ पर L मीन्स 5,
n is 3, under bracket 5, small m is 2, means 5 into 3 into 7 is equal to 5 into 21. ठीक है, means the number of rows and this is the number of column. ठीक है, तो मैं पहले यहां पर G लिख लेती हूँ. G 1 is equal to 1 1 0, G 2 is equal to 1 0 1 and G 3 is equal to 1 1 1. अब जो हम G बनाना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट रो G is equal to bit, first bit and first bit means 1 1 1. Now second bit and second bit means 1 0 and 1. Now third bit of all, तो क्या होगी, फर्स्ट की 0 then 1 then 1. ठीक, नाउ ये कितने की हुई, 9 bits हुई, बट इसकी कॉलम की लेंथ क्या होनी चाहिए, 21, मींस कि हमें 21 कंप्लीट करने हैं. तो मैं रिमेनिंग 0 लगा दूंगी यहाँ पे, कितने हो गए, 9 plus 9 18 एंड नाउ इट्स 21. ठीक, नाउ सेकेंड रो क्या होगी, इसको हम शिफ्ट करेंगे 3 bits बिकॉज देयर इज 3G. तो यहाँ क्या होगा, 1 1 1, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये वाला यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा, देन 0 0 0 0 0 0 0 0. ठीक, यहाँ पर 0 0 0 पैड हो जाएंगे. नाउ अब अगेन शिफ्ट होगा, दिस वैल्यू शिफ्टेड हेयर, तो यहाँ क्या होंगे 0, यहाँ क्या होगा ये वाली वैल्यू 1 0 1, दिस वैल्यू 0 1 1, रिमेनिंग ऑल 0. लेंथ की रो कितनी होनी है, 5, यहाँ पे हमने लिखा था 3 हो गई. नाउ ये शिफ्ट होगा यहाँ, ये शिफ्ट होगा यहाँ, देन ठीक है यहाँ. ठीक, नाउ वन मोर रो मींस वन मोर शिफ्ट. ठीक, रिमेनिंग पे हम आगे क्या कर देंगे, सब पर 0. ठीक है, तो दिस इज अवर जनरेटर मैट्रिक्स फॉर गिवन कॉन्वोल्यूशन कोड. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये हमारा हो गया क्या, जनरेटर मैट्रिक्स. नाउ अब देखते हैं क्या करना है, फाइंड द कोड वर्ड करस्पॉन्डिंग द इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस दिस यूजिंग टाइम डोमेन एंड ट्रांसफर डोमेन. तो फर्स्ट हम करते हैं टाइम डोमेन. ठीक है, टाइम डोमेन कोड वर्ड C इज इक्वल टू M into G, generator matrix. ठीक, and length of code word is equal to small n capital L plus m. ठीक है, small n is the number of adders means 3, capital L is the length of message sequence means 5, m is the number of flip flops जो हमने अभी किए थे. तो now 3 into 7 is equal to 21. This is the length. ठीक, now अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं G, यही use करना है हमें. तो C will be equal to m into g means m की वैल्यू क्या है, 1 1 1 0 0. ठीक है, नाउ अब हमारे मल्टीप्लीकेशन कैसे होंगे, ये ऐसे. ठीक है, यहाँ पर जो हमारे सम होंगे वो हमारे एग्जॉर होंगे. अच्छा साइन था, दिस इज मीन्स मॉडुलो 2 सम विच इज इक्वल टू, जो क्या होता है मॉडुलो 2 सम इज एग्जॉर, मीन्स 1 XOR with 1 इज इक्वल टू 0, 1 XOR with 0 इज इक्वल टू 1 और 0 XOR with 1 is equal to 1. In same way 0 XOR with 0 is equal to 0. ठीक, now यहाँ पे 2 methods है कि आप every columns को row से बार बार multiply करें, या आप यहाँ पे देखो जहाँ पर 1 है means 1 1 1 3, means की first row second row and third row को XOR कर दें bit wise. ठीक है, ये भी तो start करते हैं. 1 0 0 का XOR क्या होगा, 1. ठीक है, now 1 0 0 XOR क्या होगा, 1. 1 0 0 का XOR क्या होगा, 1. ठीक, नाउ इन दिस केस 1 1 0, 2 1 है मींस की XOR इज 0, देन 0 1 0 का XOR क्या होगा, 1, बिकॉज देयर इज सिंगल 1. नाउ 1 1 0 का XOR क्या होगा, 2 1s है मींस 0. ठीक, नाउ अब यहां आते हैं, 1 and 1 टू टाइम्स है मींस 0, 1 and 1 टू टाइम्स है मींस 0, 1 1 1 3 टाइम्स से ऑड टाइम मींस 1. नाउ इन दिस केस 0 0 1 वन टाइम मींस 1, नेक्स्ट 1 टाइम मींस 1, 1 एंड 2 टू टाइम्स मींस 0. नाउ इन दिस केस ऑल 0
तो यहाँ क्या होगा, जीरो सिंगल वन तो वन, सिंगल वन तो वन. इन दिस केस ऑल आर जीरो तो जीरो जीरो जीरो. इन दिस केस ऑल आर जीरो तो जीरो जीरो जीरो. नाउ अब बिट्स चेक करो, थ्री प्लस थ्री सिक्स प्लस नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन, यही हमारी लेंथ थी. तो दिस इज द फाइनल कोड वर्ड, दिस इज द आंसर इन टाइम डोमेन अप्रोच. नाउ अब हम सेम क्वेश्चन को करते हैं इन ट्रांसफर डोमेन अप्रोच, मीन्स कि हम पॉलिनोमियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, तो मैं सारी वैल्यूज लिख लेती हूँ सबसे पहले. ठीक है, ठीक. तो हमारी जी वन क्या है, जी वन इज इक्वल टू वन वन जीरो, जी टू इज इक्वल टू वन जीरो वन, जी थ्री इज इक्वल टू वन वन वन. तो इससे हमें क्या मिलेगा, जी वन एक्स इज इक्वल टू, एक्स की पावर्स में लेना है, पावर्स कैसे आप लोगे, एक्स की पावर जीरो, एक्स की पावर वन, एक्स की पावर टू, मीन्स वन इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर वन प्लस जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर टू इज इक्वल टू क्या आएगा, वन प्लस एक्स. ठीक है, सेम वे यहाँ जी टू एक्स इज इक्वल टू वन इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो प्लस सेकेंड बिट इज जीरो, मीन्स जीरो इंटू एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर टू इज इक्वल टू फ्रॉम दिस वन फ्रॉम दिस एक्स स्क्वायर. नाउ फॉर जी थ्री एक्स इज इक्वल टू वन इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर टू इज इक्वल टू वन प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये हमें सारे जनरेटर मिल गए इन पॉलिनोमियल फॉर्म. नाउ मैसेज क्या है हमारा, एम इज इक्वल टू वन 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 जीरो जीरो. तो एम एक्स विल बी इक्वल टू वन इंटू एक्स रेज टू पावर जीरो प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर वन प्लस वन इंटू एक्स रेज टू पावर टू. रिमेनिंग जीरो है तो हमें जीरो ही मिलेगा, तो हम यही छोड़ देते हैं इसको. तो ये हो जाएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, नाउ वी वन एक्स मीन्स की आउटपुट कोड वर्ड बाय दिस इज जी वन एक्स इज जी वन एक्स इंटू एम एक्स. और याद रखना है ये सारे प्लस जो हैं, ये प्लस बेसिकली हमारे क्या हैं, एग्जॉर साइन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, वन प्लस एक्स मल्टीप्लाइड विथ वन प्लस एक्स स्क्वायर. ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, जब वन से मल्टीप्लाई किया, नाउ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. नाउ जो सेम पावर होंगी, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर वन प्लस वन. बेसिकली दिस प्लस इज एग्जॉर, तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, मीन्स कि क्या हो जाएगा, जीरो. ठीक है, तो जो भी दो सेम होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, जीरो आएगा. वाई ये मैंने मेंशन कर दिया, सेम सेम ये सेम ये सेम, जीरो कर दिया. तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू, वन प्लस एक्स क्यू, ये हमारी वैल्यू किसकी हो गई, वी वन एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स क्यू. अब वी टू एक्स देखते हैं, वी टू एक्स विल बी इक्वल टू जी टू एक्स इंटू एम एक्स. ठीक है, अब ये है वैल्यू हमारी जी टू एक्स की, मीन्स वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर. सॉल्व करते हैं, वन से मल्टीप्लाई किया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, नाउ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स रेज टू पावर फोर. नाउ सेम एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, कोई और नहीं हो रहा, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी टू, वी टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स फोर. वी थ्री एक्स इज इक्वल टू जी थ्री एक्स इंटू एम एक्स इज इक्वल टू, दिस इज द वैल्यू, वन प्लस एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो वन प्लस एक्स स्क्वायर. नाउ मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वन से किया तो वन प्लस एक्स स्क्वायर, देन एक्स से किया तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू. ठीक है, नाउ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स रेज टू पावर फोर. नाउ इस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स, एक्स क्यू से एक्स क्यू. नाउ व्हाट इज द वैल्यू, वी थ्री एक्स इज इक्वल टू
वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फोर। ठीक है, यहाँ तक ये वैल्यूज मिल गई। मैंने जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की थी, जो वैल्यूज कैलकुलेट की थी वो लिख ली। नाउ बाय यूजिंग दीज वैल्यूज अब हम इन्हें बिट्स में कन्वर्ट करते हैं। तो वी वन इज इक्वल टू एक्स की पावर जीरो अवेलेबल है मीन्स वन, एक्स की पावर वन इज मिसिंग मीन्स जीरो, टू इज मिसिंग, थ्री इज अवेलेबल दैट्स वाई वन। नाउ वी टू इज इक्वल टू फ्रॉम दिस इक्वेशन एक्स की पावर जीरो इज अवेलेबल मीन्स वन, एक्स की पावर वन इज अवेलेबल मीन्स वन, एक्स स्क्वायर इज एबसेंट मीन्स जीरो, एक्स की पावर थ्री इज अवेलेबल मीन्स वन, एक्स की पावर फोर इज अवेलेबल मीन्स वन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट फॉर दिस वी थ्री इज इक्वल टू एक्स की पावर जीरो मीन्स वन, वन इज मिसिंग एक्स की पावर, एक्स स्क्वायर इज अवेलेबल मीन्स वन, क्यू इज मिसिंग एक्स की पावर फोर इज अवेलेबल मीन्स वन। ठीक, नाउ वन मोर थिंग कि नाउ हमें लेंथ इनकी सबकी सेम रखनी होगी, तो यहाँ पर हम वन मोर जीरो की पैडिंग करेंगे। ठीक, नाउ अब हम सीक्वेंस कैसे लिखेंगे, कोडवर्ड कैसे लिखेंगे, इज इक्वल टू फर्स्ट बिट फर्स्ट बिट फर्स्ट बिट मीन्स वन वन वन, नाउ सेकेंड बिट एंड सेकेंड बिट मीन्स जीरो वन जीरो, नाउ थर्ड बिट एंड थर्ड बिट मीन्स जीरो जीरो वन, नाउ फोर्थ बिट एंड फोर्थ बिट मीन्स वन वन जीरो, नाउ लास्ट बिट मीन्स जीरो वन वन जीरो वन वन। ठीक है, कि कोड वर्ड लेंथ शुड बी इक्वल टू एन इंटू एल प्लस एम मीन्स 21। ठीक है, नाउ यहाँ पर हमारे कितने हुए, थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस 15, तो हमें कितने जीरो और चाहिए, सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। नाउ आप मैच करो, सेम सेम सेम, ये भी सेम, दिस इज ऑल्सो सेम एंड दिस इज ऑल्सो सेम। अगर इनमें डिफरेंस होता मीन्स कि आपने क्वेश्चन कहीं पे गलत किया है। थैंक यू सो मच, स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।